राम जान की अवध को जाना, लाए कुबेर पुष्पक याना। पुष्पक आकारा को बढ़ाई, वानर सेना जा मह समाई। सियाराम सियाराम जय हनुमान। जा रहे लंका से रघुवीरा, हनुमत संग सब भाव विभोरा। त्रिजटा नैन अश्रु भर आई, वैदेही गले बढ़ के लगाई। सियाराम सियाराम जय हनुमान, राम सियाराम सियाराम। त्रिजटा, आपने एक अभिभावक की भांति सीता की रक्षा की है, मैं आपको वरदान देता हूँ। अब से अशौच और नियम आदि से जो भी पूजा होगी उसका पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। आप सदैव सीता की प्रिय बनी रहेंगी। मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप दोनों को मेरा नमन। जननी जन्म भूमिश्व स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी सुंदर मातृभूमि भारतवर्ष की पावन धरती को
मेरा शत शत नमन। प्रणाम भारत भूमि। हमारी मातृभूमि का सब पर बड़ा उपकार होता है। भूमि हमारा पालन पोषण करती है, हमें आश्रय देती है। भारतवर्ष की ये पवित्र भूमि देव भूमि है, जिसकी धरा संसार का नाभि स्थल है, जो मनुष्य को तप आदि सत्कर्मों के बल पर ईश्वर का भी साक्षात्कार करा देती है। इसे धन्यवाद देना हमारा प्रथम कर्तव्य है। प्रणाम भारत भूमि। वहां क्या है? प्रभु का ध्यान कहां है? कोई है वहां, किंतु कौन हो सकता है? जो कभी दिखाई देता है कभी लुप्त तो हो जाता है। सावधान साथियों, मुझे किसी की उपस्थिति का आभास हो रहा है। ये तो पिशाच प्रतीत हो रहे हैं। हाँ प्रभु, किंतु चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये हम में से किसी के भी निकट आने का साहस नहीं कर सकते। हाँ प्रभु श्री राम, हनुमान का कथन सत्य है। हनुमान को पिशाचों पर विजय प्राप्त है। जहाँ हनुमान होंगे या इनका नाम होगा, वहाँ किसी को पिशाच बाधा कभी नहीं हो सकती। तो फिर यहाँ आने का दुस्साहस कैसे कर रहे हैं ये? तुम सबका इतना दुस्साहस, किस प्रयोजन से आए हो तुम यहाँ? हम किसी अनिष्ट के उद्देश्य से यहाँ पर नहीं आए। अभी तो अनिष्ट तो किया है प्रभु श्री राम ने। ब्रह्म हत्या की है तुम्हारे श्री राम ने, ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या, और इस ब्रह्म हत्या का पाप तो लगेगा, और तुम सब इस पाप में भागीदार हो। तुम सब, और तुम सब इस महापाप के फल स्वरूप ब्रह्म राक्षस बनोगे, ब्रह्म राक्षस। और तुम सबको हमारे ही पास आना पड़ेगा। और हमारी ही तरह गति होगी, तुम सब की हमारी ही तरह गति होगी। पिशाचों का कथन सत्य है स्वामी। रावण ब्राह्मण पुत्र थे और उसका वध हमारे हाथों ही हुआ है। किंतु माता, वो पापी था, अधर्मी था। यदि वो अधर्म न करता तो उसका वध नहीं होता। हाँ हनुमान, रावण एक ब्राह्मण पुत्र था, विद्वान भी था, किंतु वो एक दुराचारी था, इसीलिए उसका अंत करना ही पड़ा मुझे। प्रभु, यदि ये महापातक है तब तो हम सब भी इस महापातक के भागी हैं। किंतु तुम सबका नेतृत्व मैं ही कर रहा था, इसलिए महापातक का दोषी मैं ही हूं। यदि किसी प्रकार मैं इस दोष से मुक्त हो गया तो तुम सब भी इस दोष से मुक्त हो जाओगे। परंतु स्वामी, यह आवश्यक है कि राजा बनने से पूर्व आप ब्रह्म हत्या के दोष से स्वयं को मुक्त कर लें। हाँ सीते, इस ब्रह्म हत्या के दोष से मुझे मुक्त होना ही होगा, अन्यथा ये कुरीति आरंभ हो जाएगी।
कि कोई भी राजा या शक्ति से संपन्न व्यक्ति किसी भी विद्वान का वध कर देगा। विद्वानों और ब्राह्मणों का वध निश्चित ही रहना चाहिए। प्रभु श्री राम, भगवान शिव सर्वपातक हर्ता हैं। उनकी कृपा हो गई तो ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल सकती है। आपका कथन सर्वथा उचित है जामन जी। मेरे वीर वानरों, हम सबके शीश पर जो ब्रह्म हत्या का दोष है उसे मिटाने के लिए हम भगवान शिव के आत्मलिंग की पूजा करेंगे। किंतु भैया, आत्मलिंग तो शिवजी के कैलाश धाम से ही प्राप्त हो सकता है और शिवजी को प्रसन्न किए बिना आत्मलिंग मिलेगा नहीं, तो इतने कम समय में कैसे संभव होगा? उसकी चिंता मत कीजिए लक्ष्मण भैया, मैं हूं ना, भोले बाबा मुझे मना नहीं करेंगे। मैं समय रहते ही भोले बाबा का शिवलिंग लेकर आ जाऊंगा। हनुमान कुछ अत्यधिक आत्मविश्वास से भर गए हैं। उनके इस आत्मविश्वास से अभिमान झलक रहा है, जो कदाचित युद्ध में हनुमान के पराक्रमों के कारण प्राप्त विजय से उपजाए। इतना सहज नहीं है हनुमान, मेरे प्रभु का आत्मलिंग प्राप्त करना। प्रभु, मेरी गणना के अनुसार महादेव की पूजा के लिए कल प्रातः सूर्योदय के पश्चात का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ होगा, किंतु ये मुहूर्त कुछ ही क्षणों के लिए होगा। उचित है जामन जी। हनुमान, तब तक तुम्हें महादेव का आत्मलिंग लेकर आना होगा। ऐसा ही होगा जामन मामा, आप सब पूजा की व्यवस्था आरंभ कीजिए। मैं मुहूर्त के पूर्व ही भोलेनाथ जी का आत्मलिंग लेकर लौट आऊंगा। इतना अभिमान उचित नहीं है हनुमान। आइए हम सब पूजा की व्यवस्था करें। भैया, यदि हम कल तक पूजा करने के लिए यहीं प्रतीक्षा करेंगे तो पूजा के पश्चात अयोध्या पहुंचने के लिए मात्र 8 प्रहर का समय ही शेष रह जाएगा, और यदि किसी भी कारणवश हम उतने समय में अयोध्या नहीं पहुंच पाए तो कहीं भरत भैया। चिंता मत करो लक्ष्मण, हनुमान समय रहते वापस लौट आएंगे और हम सब भी पूजा संपन्न करके समय रहते अयोध्या पहुंच जाएंगे। भरत भैया, किसी भी कारणवश यदि राम भैया को यहां तक पहुंचने में विलंब हो गया तो? वचन दिया है राम भैया ने मुझे, वो कदापि विलंब नहीं करेंगे। देखना शत्रुघ्न, परसों का सूर्योदय होने से पूर्व राम भैया यहां पर होंगे, और यदि विलंब हुआ तो मेरा प्राण पूर्ण होगा। मैं जलती हुई चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभिमान अच्छा होता है, किंतु अभिमान अपने साथ घमंड को लेकर आता है। हनुमान भी मुझे घमंड के विकार से प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। जितने भोले भाले हैं हनुमान, उतने ही श्रेष्ठ भक्त भी। ऐसे श्रेष्ठ भक्त का कैलाश पधारना, ये तो सौभाग्य की बात है। क्षमा करें माता, परंतु मुझे तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। मेरे विचार से अब हनुमान भोले भाले और विनम्र नहीं रहे। 14 भुवनों को पार करने वाले हनुमान
अब मुझे घमंड से ग्रसित लग रहे हैं माता। प्रभु, ये हनुमान का घमंड ही है जो आपके पवित्र आत्मलिंग को वृक्ष पर लगा हुआ फल समझ रहे हैं, जिसे आकर वो तोड़ कर ले जाएंगे। आपके पवित्र आत्मलिंग को प्राप्त करने के लिए वर्षों घोर तपस्या करनी पड़ती है। अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो नंदी? प्रभु, मैं हनुमान की परीक्षा लेना चाहता हूं। यदि वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तभी हनुमान आप तक पहुंच पाएंगे। हनुमान, तुम्हें तो बहुत कठिन परीक्षा देनी होगी, तभी तुम देवेश्वर के दर्शन कर पाओगे। मेरे भोले बाबा के धाम कैलाश पर्वत की पवित्र भूमि, मेरा नमन स्वीकार कीजिए। कौन है जो भगवान भोलेनाथ के इस पवित्र भूमि में पीड़ा से तड़प रहा है? ये कौन है? हाँ, इन्हें तो कुष्ठ रोग हुआ है। अच्छा हुआ जो आप आ गए, बहुत तीव्र प्यास लग रही है। कृपया शीघ्र जल प्रदान करने का कष्ट करें। तो मेरा अनुमान सत्य ही था। हनुमान प्रभु श्री राम के प्रिय सेवक हो, इसीलिए इतना घमंड हो गया है तुम्हें कि एक कोढ़ी की सहायता किए बिना ही चल दिए। ये लीजिए जल वृद्धवर, मैं अपने हाथ से आपको जल पिलाता हूँ। नहीं, नहीं, मेरे निकट मत आओ। मैं कोढ़ी हूँ, मुझे स्पर्श करके तुम अपवित्र मत हो। आप भी हम सब की ही भांति भगवान की ही संतान हैं, और आप जैसे मनुष्य की सेवा तो भगवान की ही सेवा होती है। मुझे आपकी सहायता करने दीजिए। गुरुवर सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, मुझे शीघ्र ही अपना कार्य भी संपन्न करना है। ये तो साधारण परीक्षा थी हनुमान, अभी तो तुम्हें कड़ी परीक्षा का सामना करना होगा। नंदी गए तो थे हनुमान के विकारग्रस्त होने की परीक्षा लेने, किंतु स्वयं ही अभिमान के विकार से ग्रस्त होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यदि समय रहते विकारग्रस्त होने का आभास हो जाए और प्राणी संभल जाए तो विकारों से बचा जा सकता है। देखते हैं नंदी को इसका आभास होता है या नहीं। धन्यवाद वानर श्रेष्ठ।
ये तो मेरा कर्तव्य था वृद्धवर, अब आप मुझे आज्ञा दें, मुझे एक बहुत ही आवश्यक कार्य हेतु जाना है। आवश्यक कार्य? देखता हूँ तुम्हारे लिए वो आवश्यक कार्य महत्वपूर्ण है या फिर एक कोढ़ी की पीड़ा। सब प्राण आपको नहीं लेना चाहिए था भरत भैया। राम भैया को वापस आने में किसी भी कारण से विलंब हो सकता है, कोई भी बाधा आ सकती है राम भैया को। भैया श्री राम लौट कर आ रहे हैं या नहीं ये सुनिश्चित करने के लिए चहु और मैंने अपने दूत भेजे हैं, उनसे हमें ज्ञात हो जाएगा कि भैया निकट ही हैं या नहीं। किंतु भैया अभी तक हमें किसी से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, मात्र डेढ़ दिन ही तो शेष है। वैसे भी राम भैया लौट कर आएंगे, भले ही विलंब से हैं, इसलिए आप अपना प्रण वापस ले लीजिए भैया। शत्रुघ्न, संसार यही मानता है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भरत का वचन भी अडिग है। बहुत पीड़ा हो रही है आपको? घाव बढ़ते ही जा रहे हैं, इन पर शीघ्र से शीघ्र जड़ी बूटी लगाना आवश्यक है। उसी को प्राप्त करने हेतु कैलाश आया था, किंतु मेरी पीड़ा अब असहनीय हो रही है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि समय रहते मैं जड़ी बूटियों तक नहीं पहुंच पाऊंगा। समय रहते आत्मलिंग लेकर नहीं पहुंचा तो मेरे प्रभु ब्रह्म दोष के पातक से मुक्त नहीं होंगे, और यदि इन वृद्ध वर की सहायता नहीं की तो परोपकार धर्म से विमुख होने का दोष लगेगा। क्या करूं मैं? अब सिद्ध हो जाएगा कि हनुमान की ये सेवा मात्र ढोंग थी या सत्य में ही परोपकार धर्म पर अडिग है हनुमान। जो व्यक्ति दुखी और जरूरतमंद की सहायता करते हैं वो सदैव सफलता और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।